नमस्कार टेंथ क्लास। आज की वीडियो में हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक सीतीज भाग दो में कवि देव द्वारा रचित हमारी जो तीसरी कविता है सवैया, उसको पढ़ेंगे। कवि देव के तीन छंद आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, एक सवैया है और दो कविता है। तो इस वीडियो में हम सवैया पढ़ेंगे। कविता पढ़ने से पहले कवि का संक्षिप्त रूप जान लेते हैं। कवि देव का पूरा नाम है देवदत्त द्विवेदी। रीति काल के महाकवि की उपाधि कवि देव को दी गई है। उनका जन्म इटावा में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। कब हुआ था? 1973 में। और मृत्यु हुई थी 1767 ईस्वी में। सवैया क्या होता है? सवैया एक छंद होता है, वर्णिक छंद होता है। वर्णिक छंद जहाँ वर्णों का नियम हो, जिस कविता में वर्णों का नियम होता है वर्णिक छंद कहलाता है। और सवैया छंद के अंदर वर्णों का नियम होता है, चार चरण होते हैं और 22 से लेकर के 26 तक वर्ण होते हैं। जिस कविता में 22 से 26 तक वर्णों का नियम होता है वही हमारा सवैया छंद होता है। इस छंद के अंदर कवि देव ने कृष्ण के बाल रूप के सौंदर्य का वर्णन किया है। अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हुए कवि देव ने कृष्ण भगवान के बाल रूप के सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि देव ब्रज भाषा में लिखते थे। ब्रज भाषा का बड़ा सुंदर प्रयोग कवि ने यहाँ किया है। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी के धुनी की मधुराई। सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई। माथे किरिट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुनाही। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुलै देव सहाई। पायनी पैरों में, नूपुर होती है पाजेब, मंजू सुंदर बजे बजती है। कटी कमर पर किंकनी, किंकनी होती है करगनी, जो कमर पे छोटे बच्चों को जैसे घुंघरू डाल करके हम बांध देते हैं, करगनी जिसको बोलते हैं। के धुनी के आवाज, के धुनी के आवाज की मधुराई, मधुर मधुर। कवि देव ने कृष्ण भगवान के बाल रूप का बड़ा सुंदर ही वर्णन यहाँ किया है, बड़ा सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया है उनके बाल रूप का। कि जब कृष्ण भगवान छोटे से आंगन में चलते हैं तो किस प्रकार से वो लगते हैं, कि उनके छोटे छोटे पैरों में, पायनी पैरों में सुंदर पाजेब बज रही है। जब कृष्ण भगवान चलते हैं तो उनके पैरों में सुंदर पाजेब बजती है और उनके कमर पर बंधी हुई करगनी की मधुर मधुर आवाज बड़ी सुंदर लगती। सांवरे अंग लसे पटपीत, सांवरे अंग सांवला शरीर, लसे शोभा दे रही है, सुंदर लग रही है। पटपीत, पट होते हैं वस्त्र, पीत पीले रंग के। कवि देव ने क्या बताया है कि कृष्ण भगवान के सांवले रंग पर पीले वस्त्र बड़े शोभायान हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। हिये हृदय हुल से आनंदित कर रहे हैं। वन माल फूलों की माला, वन के फूलों की माला सुहाई शोभायान है। कि उनके हृदय पर जो फूलों की माला है वो बड़ी आनंदित करने वाली है, बड़ी शोभायान है, बड़ी सुंदर लग रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे माथे पर किरीट होता है मुकुट, बड़े 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 दृग आँखें, चंचल
होती है मस्ती वाली नटखट आंखें, शरारती आंखें। बचपन में कृष्ण भगवान कितनी शरारत करते थे तो कि उनके जो बड़ी बड़ी आंखें हैं मस्ती से भरी हुई, चंचलता से भरी हुई, उसके ऊपर माथे पर किरीट का मतलब है मुकुट बड़ा सुंदर लग रहा है। मंद हंसी धीमे धीमे हंसना, मुख चंद चंद्रमा के समान मुख, जुनाई होती है चांदनी। कवि ने क्या बताया है कि बड़ी बड़ी आंखें चंचलता से भरी हुई और ऊपर सुंदर मुकुट, कृष्ण भगवान के बड़ा सुंदर लग रहा है। और जब वो धीमे धीमे हंसते हैं, धीमी धीमी हंसी में हंसते हैं, शरारती हंसी जब हंसते हैं, तो चंद्रमा के समान उनके मुख पर एक चांदनी सी फैल जाती है जो सबको बड़ा आनंद देने वाली है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, जे कवि ने ये जो शब्द प्रयोग किया है, जे का मतलब कवि ने अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया है, जयकारा बोल रहे हैं कि आपकी जय हो। जग संसार, जग मंदिर, इस संसार रूपी मंदिर में दीपक सुंदर, एक सुंदर दीपक के समान, यहाँ प्रतीक कवि ने प्रयोग किए हैं। संसार को मंदिर माना है, कृष्ण भगवान को मंदिर में जलने वाला, प्रकाश देने वाला दीपक माना है। इस संसार रूपी मंदिर में तुम दीपक के समान प्रकाश देने वाले हो, आपकी जय हो। श्री ब्रज दूल्हे, श्री ब्रज दूल्हे में कवि ने लाक्षणिकता का प्रयोग किया है। इसका अर्थ क्या है? ब्रज दूल्हे, दूल्हे होता दूल्हा, दूल्हा का प्रायवाची शब्द हम क्या लेते हैं? मालिक, स्वामी, यानी कि ब्रजवासियों के स्वामी। हे ब्रजवासियों के स्वामी, श्री ब्रज दूल्हे का मतलब क्या है कि हे ब्रजवासियों के स्वामी, देव, देव कवि कहते हैं कि हे ब्रजवासियों के स्वामी, सहाई, सहायता करो, हमेशा सहायता करो। नीचे वाली लाइन का पूरा अर्थ क्या हम निकालेंगे कि हे ब्रज वासियों के स्वामी, कवि देव कहते हैं कि हे ब्रजवासियों के स्वामी, हमेशा हमारी सहायता करो। हे कृष्ण भगवान, आपकी जय हो, आप इस संसार में दीपक के समान प्रकाश देने वाले हैं। कवि देव ने कृष्ण भगवान के सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। प्रसंग आप किस प्रकार से लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक सिटीज भाग दो में हमारी तीसरी कविता रीतिकाल के कवि देव, महाकवि देव द्वारा रचित का सवैया है। इसमें कवि ने कृष्ण भगवान के बाल रूप के सौंदर्य का वर्णन किया है। काव्य सौंदर्य देखें, कवि देव ने कृष्ण भगवान के बाल रूप के सौंदर्य का वर्णन किया है। ब्रज भाषा में कवि देव लिखते थे और ब्रज भाषा में तत्सम और तद्भव शब्दों की अधिकता हमने देखी। प्रतीकात्मकता है कविता के अंदर, जे जग मंदिर दीपक के अंदर प्रतीक हैं, ब्रज धूले के अंदर भी दूसरा अर्थ है। तो प्रतीकात्मकता और लक्षणा शब्द शक्ति है, लाक्षणिकता के कारण दूसरा अर्थ होने के कारण यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है। सवैया छंद, दृश्य बिंब है, कृष्ण भगवान का बाल रूप हमारी आंखों के सामने बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है कि कृष्ण भगवान हैं, वो किस प्रकार से पीले वस्त्र पहने हुए आंगन में पाजेब बजाते हुए चल रहे हैं, बड़ा सुंदर दृश्य। और श्रव्य दोनों ही बिंब इसके अंदर प्रस्तुत हैं, दोनों ही लिखें आप, क्योंकि जैसे ही कवि ने बताया है कि कमर पर बंधी हुई करगनी की आवाज़ सुनाई देती है, पाजेब बजती है, तो यहाँ दृश्य बिंब भी साथ में कवि ने और श्रव्य दोनों बिंब प्रस्तुत किए हैं। और संगीतात्मकता है कविता बड़ी सुंदर गाई जाने वाली है। कवि ने यहाँ भक्ति रस का सुंदर वर्णन किया है।
भक्ति रस श्रृंगार रस के अंदर जाता था। पहले 9 रस माने गए थे साहित्य के अंदर, अब 2 और सम्मिलित कर लिए गए हैं, वात्सल्य और भक्ति रस। जहाँ बच्चे से प्रेम होता है वहाँ वात्सल्य, जहाँ पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका का प्रेम दिखाया जाता है वहाँ हम श्रृंगार रस को लेकर चलते हैं, और जहाँ परमात्मा से प्रेम परमात्मा की भक्ति वहाँ भक्ति रस होता है। यहाँ कवि ने कृष्ण भगवान के प्रति अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया है, तो भक्ति रस है और माधुर्य गुण है, अलंकार के उनसे प्रस्तुत किए हैं कवि ने। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, जग मंदिर दीपक सुंदर यहाँ रूपक अलंकार है, और मुख चंद में भी रूपक अलंकार है, कटी पीतनी में अनुप्रास अलंकार है, तो पट पीत में भी अनुप्रास अलंकार है, और पीछे ये आपके स्वर भी मिल रहे हैं, इसलिए स्वर मैत्री अलंकारों का प्रयोग भी कवि ने यहाँ किया है। आशा है कि आपके अच्छे से जो कविता है, ये हमारा सवैया है, वो समझ में आ गया होगा। घर रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।